लोकसभा चुनाव के लिए लगातार प्रत्याशी अपने नामांकन की प्रक्रिया पूर्ण कर रहे हैं। इसी को लेकर आज बसपा के प्रत्याशी हितेंद्र कुमार बंटी उपाध्याय ने भी अपने समर्थकों के साथ मिलकर नामांकन पत्र दाखिल किया। इस दौरान आगरा अलीगढ़ मंडल प्रभारी सूरज सिंह, मुकेश चंद्रा जिला अध्यक्ष सुरेश गौतम, पूर्व जिला अध्यक्ष बसपा दीपक शर्मा, अन्नू आजाद, अमित चौधरी, बसपा विधानसभा प्रत्याशी रजिया खान व बसपा नेता सलमान शाहिद, पूर्व महापौर मोहम्मद फुरकान व बहुजन समाज पार्टी के सभी कार्यकर्ता और जनप्रतिनिधि बड़ी संख्या में उपस्थित रहे और सभी में नया उत्साह देखने को मिल रहा था। बता दें, बसपा से पहले गुफरान नूर को टिकट मिला था, लेकिन उनके अस्वस्थ होने के कारण बहुजन समाज पार्टी के हाईकमान ने गुफरान नूर का टिकट काट कर ब्राह्मण चेहरे पर दाव खेला और अलीगढ़ के हितेंद्र कुमार बंटी उपाध्याय को लोकसभा प्रत्याशी घोषित किया, जिसके बाद बसपा कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ गई। और अपनी जीत को लेकर बसपा प्रत्याशी हितेंद्र कुमार बंटी उपाध्याय ने क्या कुछ कहा, सुनिए। भैया अपना तो एक ही नारा, चढ़ जीरे की छाती पर, मोहर लगेगी हाथी पर। हम तो आलू हैं, सब में जाके मिल जाएंगे, हमारे बिना कुछ नहीं हो पाएगा। भाई साहब, हमारा तो बहन जी का दिशा निर्देश, शीर्ष नेतृत्व का आदेश और समाज से सभी वर्गों का साथ साथ चले गए। अब जीरे के बिना सब्जी चलेगी, अब सब्जी फ्राई नहीं होगी। इसी मुद्दे के साथ मैं इस पूरे चुनाव को लड़ूं। किससे टक्कर मारनी है आपको? अब मुझे ये बताने की आवश्यकता पड़ेगी कि किसी से टक्कर है? आपने सर्वजन, सर्वधर्म, सर्व पंथ, प्रत्येक जाति का एक एक व्यक्ति आप स्वयं यहाँ पर ढूंढ लें। ये तो मुझे, आपको भी पता है कि मुझे केवल 2 दिन का समय मिला है, तब 2 दिन में लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया है कि अगर मुझे इससे थोड़ा ज़्यादा समय मिल गया होता तो आपको पता है कि इस अलीगढ़ की धरती पर इतिहास आज भी लिखा गया है और इससे भी 10 गुना ज़्यादा इतिहास लिखा गया। आप भाजपा के पुराने कार्यकर्ता थे, ऐसा क्या हुआ कि एकदम आप भाजपा छोड़ दिया आपने? आपको तो पता है मैं पुराना कार्यकर्ता तो BSP का ही हूँ और मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता था। आप स्वयं जानते हैं कि मेरे पास तो जो आया, जिस हाल में आया, जिस लायक था, उस हिसाब से उसकी मदद की। किसी ने कहा भैया मेरे 10 होर्डिंग लगवा दो, लगवा दी। किसी ने कहा भाई साहब मुझे ये मदद कर दो, मैंने मदद कर दी। अब मदद से मैंने कभी कहीं कोई सदस्यता तो ली नहीं। मदद करना अगर मेरा गुनाह है तो मैं उसकी सजा पाने के लिए तैयार। इस जिले को, जिस प्रकार से इस महानगर को बार बार उजाड़ा बसाया जा रहा है, जल भराव, सड़क बनती नहीं है, टूट जाती है, उस पर होने वाले एक्सीडेंटों से बचाना, एक जान एक परिवार को ख़त्म कर देती है, जल भराव की समस्या, जाम की समस्या और गंदगी की है। मेरी बहन जो कह रही है मैं उसका समर्थन करता हूँ। चलो, ऐसी ही अपडेट के लिए आप देखते रहिए ET News India। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।